हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शताब्दी। आज का जो टॉपिक है वो है गमक क्या है। गमक जो है ना वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ही सिर्फ यूज होते हैं होल वर्ल्ड में, एंड कर्नाटकी क्लासिकल म्यूजिक में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा है। बहुत सारे प्रकार के होते हैं वो, एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में भी इसका प्रयोग है। तो मैक्सिमम हम लोग जो करते हैं ना, जैसे यूज करते हैं, वही मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सबसे पहले, बिकॉज वीडियो देखते देखते आप भूल ही जाएंगे। एंड वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए एंड कमेंट्स जरूर कीजिए, दैट विल मोटिवेट मी। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं आज। सबसे पहले हम जानेंगे कि गमक है क्या। दो नोट आप ले लीजिए, उस दो नोट पे जब हम लोग बहुत फास्ट मूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे नहीं, सपोज सागा, ये है स्लो मूवमेंट। अब इसको जब फास्ट मूवमेंट और कंटिन्यूअस मूवमेंट करेंगे ना, सागा 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 सागा, आकार में कीजिए, यही है गमक। अब इसको एक भी नोट पे कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे, एक ट्रिक है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। जो बिगिनर्स लेवल पे है, आप शुरू में हाथ को ना ऐसे ऐसे कीजिए, ये जो है ना, ये वाइब्रेशन आपके हैंड के मूवमेंट से, ऐसे मूवमेंट से शेक करने से आपके गले पे एक वाइब्रेशन फील होगी। उस वाइब्रेशन से गमक का जो स्टाइल है ना वो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो कुछ दिन करने के बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, तो आप ये ऐसे शेक करना बंद कर दीजिए। ये गमक प्रैक्टिस करते टाइम एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि एक फॉल्स वॉइस निकालते हैं लोग। ये जो वाइब्रेशन शो करना होता है, दोनों नोट के बीच में जो ऑसिलेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसके वजह से जो वाइब्रेशन होते हैं ना, वो वाइब्रेशन शो करने के लिए एक फॉल्स साउंड निकालते हैं। वो आपको नहीं करना है। वो करेंगे तो धीरे धीरे आपके जो वोकल जो क्वालिटी है ना, दैट विल स्पॉइल। नॉर्मल जो आपका जो वोकल जो साउंड है ना, जैसे आप गाना गाते हो, नेचुरली गाते हो, उसी साउंड से ही आपको करना है। सपोज सागा 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 सागा, ये नेचुरल आवाज में किया मैंने। अभी इसको मैं करती हूँ, ये बहुत गलत है, आप चोट पहुंचा रहे हो अपने वोकल कॉर्ड को। ये ज्यादा जो वाइब्रेशन आप दे रहे हो ना, फॉल्स वाइब्रेशन, एक एक्स्ट्रा वाइब्रेशन, एक्स्ट्रा फोर्स। एक्चुअली गमक क्या है, एक झटका होता है नोट में, हर एक नोट पे हम झटका देते हैं। तो ये झटका हम इतने फोर्सफुली देते हैं है, और इतनी ज्यादा देते हैं, ये फॉल्स साउंड निकल के आ जाती है, एंड ये आपके वोकल कॉर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। तो डोंट डू दैट। तो स्क्रीन पे मैं आपको कुछ पलटा दे देती हूँ, घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए अपने अपने स्केल पे। तरीका मैंने आपको दिखाई दिया है, नेचुरल आवाज में धीरे धीरे उसको वाइब्रेशन बढ़ानी है। सपोज सरी 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 गा मगरी सरी गरी 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 गा मा पा मगरी, नेचुरल आवाज में आप लाइट वे से कीजिए। एंड कोई भी सपोज एक ही नोट ले लीजिए, सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 मा, शुरू में कीजिए दो बार सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा करके, फिर तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, जैसे भी हो आप इंक्रीज करते जाइए। और ये प्रैक्टिस करके फिर आप जब दूसरा गाना गाएंगे ना, राग संगीत में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, बट दूसरे गाने पे भी अगर आपको मौका मिले तो आप इसका प्रयोग कीजिए और आप गाने को एक अलग ही फ्लेवर दे दीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और नए टॉपिक के साथ। मैं सोच रही हूँ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो मुर्की, फिर हरकते, मेहंदी, ये सब जो होते हैं ना, उसी के ऊपर ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो गमक के साथ साथ वो भी आप लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए कि किसको क्या बोलते हैं। तो तब तक के लिए ये प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से रहिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्कार।